की है, 28 से आपने ऐलान कर दिया है आंदोलन का, क्या कारण है एक बार फिर से आंदोलन की राह पर आप लोग निकल पड़े? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो 20th का एक्शन है, इसके पीछे घटनाक्रम बहुत सारे रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि जो 18 तारीख को ऑर्डर हुई थी उसमें कुंजापद इंजीनियर के खत्म किए गए, उसके बाद आपके ड्राइवर के 81 पोस्ट खत्म की गई थी, उसके बाद हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से हुई है और आपके सब कमेटी में हुई है, पर हमें कहीं लगा जो हमारी बैठक हुई सब कमेटी से हुई, कहीं ना कहीं हमें लगा कि गवर्नमेंट ने एक डेलिब्रेट मूव बनाया है कि बिजली बोर्ड के बहुत सारे पदों को खत्म करना है और बिजली बोर्ड के ढांचे को और स्विच करना है, तो कहीं ना कहीं उस करके कर्मचारी में भारी क्रोश है, अभियंता में क्रोश है, इस करके हमें फैसला लेना है 28 को पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो आपका दो इशू जो पहले थे जिसमें आपका ड्राइवर का और साथ में पोस्ट पब्लिश करने का था, इसके साथ साथ ओपीएस भी आप जानते हो कि ओपीएस बिजली बोर्ड में काफ़ी सालों से पेंडिंग है और पूरे स्टेट में जितने कर्मचारी हैं वो एनपीएस के कर्मचारी को ओपीएस में उनको ओपीएस मिल गया है, लेकिन बिजली बोर्ड का लगभग 6600 कर्मचारी उससे ओपीएस से वंचित है, वो भी एक कारण है, उससे भी कर्मचारी में क्रोश है। दूसरी एक नई डेवलपमेंट हुई है जो सरकार की सब कमेटी में भी सामने आई और कल एक रेगुलेटर में जो मीटिंग थी उसमें भी ये चीज़ आई है कि बिजली बोर्ड को पुनर्गठन की तैयारियाँ की जा रही है, बिजली बोर्ड को आप समझेंगे सही भाषा में बिजली बोर्ड को तीन भागों में बांटने की तैयारियाँ की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश आया और कल और आज जो आपने देख रहे हैं आप मीटिंग में जो कर्मचारी हैं किस तरह का उनका आक्रोश था, तो ये जो अनबंडलिंग है, अनबंडलिंग से सारी चीजें अगर अनबंडलिंग होगी बिजली बोर्ड को अगर ट्राइब्रिकेट हो गया तब तो ये आउटसोर्स क्या, तब तो रेगुलर कर्मचारी क्या, ढांचा क्या, तब तो सारा तहसनहस हो गया। एक कर्मचारी की समझ है कि अगर बिजली बोर्ड की पुनर्गठन किया जाएगा तो एक तो जो 18 बिजली बोर्ड के 18,000 कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कंडीशन प्रभावित होगी, वहीं कहीं जो आपकी 11-12 करोड़ की लायबिलिटी है जो पेंशन उन्नतिस आ रहे उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इस करके लोगों में बहुत संशय है और आक्रोश भी है और हम इसके माध्यम से कहना चाहेंगे, आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि जो आपके अनबंडलिंग का एजेंडा पिछली सरकार उससे पहले की कई सरकारों ने इस एजेंडे को लिया था और यूनियन और कर्मचारी और हमारे कंज्यूमर जो उनके विरोध के बाद एजेंडा वापस हुआ। आज हम प्रदेश सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जिस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं इस पे इसको वापस किया जाए, हाँ बिजली बोर्ड में कुछ और सुधार की जरूरत है उसमें आपके साथ हैं। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, जो बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग आज हो जाती है उस अनबंडलिंग से जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनकी बिजली दरें महंगी हो जाएगी। आज हमारा जनरेशन विंग है जो 560-580 मेगावाट का जनरेशन विंग है, आज उसकी जो कॉस्ट है नीचे वो टैरिफ में 1.50 रुपए या 1 रुपए के इर्द गिर्द चार्ज हो रही है, लेकिन अगर वो हमारे जनरेशन जो पावर हाउसेज हैं दूसरी कॉरपोरेशन के पास चले जाएंगे तो उनसे हमें बिजली फिर महंगी दरों में खरीदनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली 3-4 रुपए के साथ बिजली आएगी वो भी टैरिफ में जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके बिलिंग चार्जेस, जैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन गई है यहाँ से हमारे से ट्रांसमिशन लाइन पहले भी गई है उसको हम बिलिंग चार्जेस दे रहे हैं, अगर अभी का ढांचा ट्रांसमिशन लाइन का किसी कॉर्पोरेशन को जाता है तो उस ढांचे में भी वो कॉर्पोरेशन बिलिंग चार्जेस क्लेम करेंगे, तो सारी कॉस्ट कहीं ना कहीं जो प्रदेश के कंज्यूमर है उसके टैरिफ में पास होगी और हमें मोटे तौर से टेंटेटिव देखें कि अगर आज जो टैरिफ है उस टैरिफ में कई गुना इजाफा होगा, इससे जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, तो इस करके हम जो अनबंडलिंग की दिशा में रेगुलेटर और अनबंडलिंग की दिशा में जो प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है इस पर तुरंत प्रारंभ लगाया जाए, ये ज्वाइंट फ्रंट की समझ और मांग है। कमेटी के जो अध्यक्ष हैं धर्माणी जी, उन्होंने जिस तरह से मीटिंग हुई थी उसके बाद कहा था कि बोर्ड की स्थिति ठीक नहीं है और कुछ एक कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि भविष्य में कर्मचारी या पेंशनरों को सैलरीज भी टाइम पे मिलता रहे, सब कुछ मिलता रहे, इसके लिए कुछ सख्त फैसले लेने होंगे जिसका दूरगामी परिणाम आएंगे, 10-15 साल बाद नतीजे आएंगे, उनका कुछ इस तरह का कहना था, लेकिन आप कह रहे हैं कि निजीकरण हो जाएगा। ये जो हिडन एजेंडा है ये तो ट्राइफिकेशन का हिडन एजेंडा है जो नैरेटिव ने सेट किया कि इम्प्लाइज कॉस्ट करके हम सारे किए जा रहे हैं। आप अगर समझेंगे आज जो बिजली बोर्ड की जो अपनी पैदावार है उसका हम जो स्टेट की कंजम्पशन है बिजली की उसमें लगभग 20% बिजली की अपनी पैदावार है, 80% हम बिजली खरीद करते हैं और 80% जो बिजली खरीदते हैं 8-7 रुपए जो भी मार्केट का रेट है उस हिसाब से पीपीए या डिफरेंट से खरीदते हैं, तो अभी जो गवर्नमेंट से कहने पे हम 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी जो गवर्नमेंट का जो बिल बनता है उसको रेज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो ग्रांट है वो ग्रांट नहीं, आज की डेट में गवर्नमेंट से बिजली बोर्ड को कोई ग्रांट नहीं आ रही है, जो सब्सिडी उनके कहने पे दी जा रही है वही रोलबैक हो रही है, पहला तो वही है, और सबसे बड़ा जो बिजली बोर्ड के संकट का कारण है वो वही है, गवर्नमेंट उस सब्सिडी को समय पे रोलबैक नहीं कर पा रही है, आज भी 600-700 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट के पास है जो नहीं कर पा रही है, उस करके हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें बैंक से पैसा लेना पड़ रहा है, महंगे इंटरेस्ट पे लेना पड़ रहा है, तो सारा कारण जो है जो फ्री बीज है जो है सब्सिडी दी जा रही है, गवर्नमेंट बढ़िया गवर्नमेंट दे सकती है वो 300 दे 500 दे, लेकिन जो चैरिटी
इंस्टीट्यूशन बिजली बोर्ड छह महीने तक तो कर सकता है, फिर सालों नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का पैसा रोल वर्क समय पे आए तो बिजली बोर्ड की स्थिति अपने आप ही सुधरेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सरकार के अपने फैसले में विरोधाभास है, वो जैसे बोल रहे हैं कि आपने इंजीनियर की पोस्टें कम करके आप कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, पर वहीं कहीं ना कहीं वो चीफ ऑफिस खोल रहे हैं, सर्कल ऑफिस खोल रहे हैं, जिसमें आपकी करोड़ों की इम्प्लीकेशन है। अगर आप फाइनेंशियल मेजर कुछ उठाना चाहेंगे तो आपके जो अपने फैसले हैं उसमें भी आप वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो तो कहीं नहीं। हमने उसका विरोध किया था कि आज करोड़ों की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी खोले लगभग 18 करोड़ 19 करोड़ का खर्चा बिजली बोर्ड के अंदर डाला। तो वहीं जो दूसरी बात कह रहे हैं कि हम ऊपर की पोस्टों को कम करके नीचे की पोस्टें भरेंगे, तो नीचे की पोस्टें भी 10 और 30 पद पिछले साल के प्रूव हुए हैं और गवर्नमेंट के पास फाइल पड़ी है, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो सब कमेटी जो जिस दिशा में काम कर रही हो ठीक है, क्या नैरेटिव सेट कर रही है, पर हमारी समझ है सब कमेटी का मेन मकसद है, आप उनके पास कोई भी तर्क दे पर उनका मकसद है बिजली बोर्ड की कॉस्ट रिडक्शन के नाम पे बिजली बोर्ड के जो ऑफिस है उनको तहस नहस करना, उनको कम करना और बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या को कम करना। और नीचे जो आज बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं आप साथी, मीडिया के साथी को पता होगा गवर्नमेंट में एक पॉलिसी आ रही है, आउटसोर्स की पॉलिसी आ रही है जिसके तहत पूरी भर्तियां गवर्नमेंट में आउटसोर्स पर की जाएगी। आप साथी देखेंगे उसी तरह पे जो नई भर्तियां जो हमारे पाइपलाइन में भर्तियां उसको रोका जा रहा है कि आगे आकर के आउटसोर्स में भरेंगे या कोई नया मैकेनिज्म निकालेंगे, उस पर हम कहना चाहेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड में भी है स्टेट में भी आउटसोर्स का कर्मचारी है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि उसका फ्यूचर निश्चित नहीं है। हम कहना चाहेंगे गवर्नमेंट अगर इसमें आगे जा रही है कोई इस तरह की नीति ला रही है तो उसमें जैसे कोई सर्टन उसमें कोई ना कोई सर्टन होना चाहिए कि उसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे डेली वेज पॉलिसी है कि 3 साल के बाद रेगुलर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट की है कि 2 साल के बाद रेगुलर होंगे, उसी तरह की कोई पॉलिसी ला रही है अगर उस पॉलिसी में कोई फ्यूचर होगा कि उनका फ्यूचर सिक्योर है तो पॉलिसी को माना जा सकता है। लेकिन अगर जिस तरह की आउटसोर्स की प्रैक्टिस आज है कि आप हायर एंड पार 6 साल के लिए आप सेवा दो उसके बाद आपको घर भेजा जाएगा, उसका हम विरोध करेंगे, बिजली बोर्ड के कर्मचारी विरोध करेंगे और मुझे लग रहा है एज ए संयुक्त कर्मचारी महासंघ में उसका महासचिव हूं उस फ्रंट पे इसका विरोध करेंगे जिस पॉलिसी में गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। सर यहाँ पे कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, आप बोल रहे हैं यहाँ पर बिजली बोर्ड का विभाजन भी सरकार कर रही है और वहीं पर भर्ती नहीं हो रही है। 28 तारीख तक आपने समय नहीं दिया है, अगर 28 तारीख तक कुछ नहीं होता है सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो क्या यहाँ पर कर्मचारी ब्लैकआउट कर दी जा सकते हैं? साथ ही आप एक चीज देखेंगे, जो 2 इशू तुम्हारे है ही है, जो ये आपका 51 पोस्ट है ड्राइवर की पोस्ट है और आपका OPS है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बाकी कुछ फाइनेंशियल क्लेम्स हैं। लेकिन एक चीज आप समझेंगे, अगर ये ढांचा नहीं रहा, मेरा परिवार नहीं रहा, तो मेरे लिए तो सब चीज़ खत्म है, फिर तो आपका OPS भी खत्म है, मेरी फाइनेंशियल बेनिफिट भी कम है। तो जब ढांचे पर प्रश्न आ गया तो उसके लिए तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी भी अंत किसी तक भी जा सकता है, मतलब ब्लैकआउट तक भी जा सकते। यस, उसमें तो अगर सरकार उस पर पुनर्विचार नहीं करती है, सरकार हमें आश्वस्त नहीं करेगी कि हम इसमें अनबंडलिंग नहीं करेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर सरकार ऐसा नहीं बोलेगी तो हम किसी भी हद तक आगे जा सकते हो, ब्लैकआउट हो या कोई और एक्शन हो, लेकिन उसमें बिजली कर्मचारी संदिग्ध से तैयारी करेगी। क्योंकि कई दौर की वार्ता हुई है आपकी OPS को लेकर, अगर बात कर लें काफी कर्मचारी हैं जिनको अभी लाभ नहीं मिल पाया, 2 साल अब सरकार को होने वाली है, वार्ता कई बार हो चुकी है, 28 से आपने ऐलान कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से जो है आप लोग पीछे हट जाएं? क्योंकि बीते साल भी इस तरह का आंदोलन किया था, कई दिन तक प्रदर्शन चले थे, फिर वार्ता हुई, वार्ता के बाद सब ठंडे बस्ते में चल गया। तो अभी क्या है, फुल एंड फाइनल है आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो? इसमें अभी तो जो ज्वाइंट फंड का फैसला बड़ा क्लियर है और मुझे लग रहा है आप साथी जानेंगे, OPS को गवर्नमेंट ढाल बना रही है, OPS को ढाल बनाते हुए उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलाई जा रही है। हमें OPS पे उलझाया हुआ है और पिछले साल भी आप देखेंगे OPS में उलझाते हुए हमारे प्रोजेक्ट ले गए, हमारे ओल्ड ले कर दिए और भी बहुत सारी चीजें आई, अभी भी OPS के ढाल के नाम पे बैकग्राउंड में सारी चीजें चली हुई है। मुझे लग रहा है अब हम होलिस्टिक सभी जो इश्यूज हैं OPS है और अनबंडलिंग है और सारे इशू है, इन सामूहिक रूप से सभी इशू को लेकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है OPS में कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हुआ है और हम सरकार के साथ 1974 में CCH पेंशन 1972 लागू हो गया था, लेकिन सरकार के कर्मचारियों को OPS मिल गया, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ भेदभाव है, ये हम मानते हैं, इससे कर्मचारियों में भारी क्रोध है, इस लड़ाई तक कहीं हम एक अंतिम अंजामा देंगे, ये ज्वाइंट फंड की समझ है। सर जो मंत्री है राजेश धर्माणी वो कह रहे हैं कि OPS की आप लोगों की मांग जायज है, लेकिन कर्मचारी रिसोर्स भी बताए कि कहाँ से देनी है, कैसे देनी, रिसोर्सेज क्या कैसे देने हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा जो माननीय मंत्री महोदय से सरकार से भी कहना चाहूंगा कि क्या सरकार के रिसोर्सेज है, सरकार ने तो दी है, जो स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन होती है, जो आपके लॉ जो आपके स्टैचुटर होते हैं जो उसकी ऑब्लिगेशन है, CCH पेंशन की भी स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन है, हमारे बिजली बोर्ड में CCH पेंशन से बदतर लागू है, तो उनसे बदतर लागू उसकी अमेंडमेंट तो लागू करनी पड़ेगी आपको, उसमें थोड़ी देखा जाता कि आज हमारी पेंशन आपकी 1200-1300 करोड़ की है, क्या आप बोलेंगे जी नहीं पेंशन देनी है, जो स्टैट्यूट में प्रोविजन है उसके लिए आपको फाइनेंशियल फंड्स आपको आपकी जिम्मेदारी आपको अरेंज करनी है। जैसे गवर्नमेंट में फाइनेंशियल क्राइसिस है फिर भी OPS वहां आया, जहां भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आएगा। मोटे तौर पर तो हम ये कहना चाहेंगे अगर OPS आज की डेट में बिजली बोर्ड में लागू की जाती है, इसमें अभी जो खर्चा है इम्प्लीकेशन है
पर एनएम की इम्प्लीकेशन है वो 9 करोड़ की है। जो एनएसएलडीएल में पैसा जा रहा है वो 48 करोड़ है। अगर आज की डेट में आप ओपीएस लागू करते हैं फिर भी आपके पास 37-38 करोड़ तो बच गया, आज की डेट में तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये तो सब बहाने हैं, जिस तरह से सारी चीजें की जा रही है एक डिले टैक्टिक्स है। हो सकता है हम जो मान रहे हैं कि इसको ढाल बना करके बहुत सारे हिडन एजेंडे बिजली बोर्ड में लागू किए जा रहे हैं, तो ये हमारी समझ है। इस करके ओपीएस की लड़ाई भी हमारी फ्रंट पर रहेगी, ये हमारा।